साईं, मेरे बाबा की मदद कीजिए। उपासना, तुम यहां क्या कर रही हो? कितनी देर से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अब ये मामूली सी चोट है, आप चिंता मत कीजिए। पहले हम वो काम करते हैं जो साई ने करने के लिए कहा है। चलिए हम धर्मशाला चलते हैं। ठीक है, चलो। मैं झूठा नहीं हूँ। हाँ तो झूठा है, मैं तुझे झूठा भी बोलूंगा और चोर भी बोलूंगा। क्या चोर? साई देखिए ना, मुझे चोर कह रहे हैं। बल्ला क्या हुआ? साई ये बहुत गंदा है, इसने मेरी गेंद चुरा ली। प्रह्लाद जो कह रहा है क्या वो सच है? नहीं साई, मैंने चोरी नहीं की। हाँ ये सच है कि मैंने प्रह्लाद से गेंद ली थी, लेकिन मेरे छोटे भाई से कहीं गुम हो गई, पर प्रह्लाद ये मान ही नहीं रहा और मुझे चोर कह रहा है, इसलिए हमारी लड़ाई हो गई। साई इससे पहले भी ये कई खिलौने लेके गया है, लेकिन आज तक वापस नहीं किए, और हर बार ये बहाना बनाता है कि इसके छोटे भाई ने खिलौना तोड़ दिया या फिर उससे खो गया। नहीं साई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा भाई छोटा है, बच्चा है, वो हर चीज तोड़ फोड़ देता है, तो उसमें मैं क्या करूँ? जब तुम किसी से उसका सामान लेते हो तो उसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम्हारा भाई हमेशा गलती करता है या उससे खिलौना टूट जाता है, तो क्या इसके लिए तुमने माफी मांगी है प्रह्लाद से? मुझे यकीन है आज की घटना से तुमने सबक सीखा है। अगली बार जब भी किसी से कुछ लो तो उसका ध्यान रखो, और अगर तुमसे कुछ गलती हो जाए तो माफी मांग लो, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। जो अपनी गलती समझ जाए और उससे सीख ले, उस गलती का तो ईश्वर भी बुरा नहीं मानते। प्रह्लाद मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे सम्मान को ठीक से संभाल के नहीं रख पाया, और हाँ आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं, अब तुमने माफी मांग ली, अब से तुम सावधान रहोगे, और मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हें झूठा कहा, चोर कहा। आज से हम वापस से दोस्त। शुक्रिया साई। राम जी भला करें। बच्चे अपनी गलती समझ भी लेते हैं और उससे सीख भी लेते हैं, उनमें अहंकार नहीं होता है, वो खुश रहना चाहते हैं, वो सबको खुश देखना चाहते हैं, वो हार भी जाएं तो रो के मुस्कुरा लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, और दूसरी तरफ हम बड़ों का अहम हमेशा आड़े आ जाता है। हमारी गलती साफ साफ दिख क्यों नहीं रही हो? हमारा अहम उसे स्वीकार करने ही नहीं देता, क्योंकि अहम नहीं चाहता कि हम हारे, वो सिर्फ जीतना चाहता है हमेशा। हमेशा जीतने का लोभ इंसान को सत्य से दूर कर देता है, और जो सत्य को ना अपनाए उसके जीवन में लाख सुविधाएं क्यों ना हो,
सुख कभी नहीं होता है। आइए। प्रणाम साईं। देखिए आपसे मिलने कौन आए हैं। प्रणाम साईं बाबा। राम जी भला करें। उपासना, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अब माफ करना, पानी थोड़ा ज्यादा हो गया। खैर कोई बात नहीं, मैं इसमें थोड़ा चूना मिला देता हूं। पंडित जी, आपके लिए खाना लाई हूँ। आइए। उपासना, तू भी खा ले, सुबह जल्दी निकल गई थी पंडित जी के। अरे ये चोट कैसे लगी, क्या हुआ? वो मैं भी कब से पूछ रहा हूँ आजी, कुछ बता ही नहीं रही है। हम परी के घर चूना लेने गए थे, तभी इसे चोट लगी। आप कोशिश करके देखिए, शायद आपको बता दे। अपने आजी को तो बताएगी ना। रो मत उपासना, बता मुझे क्या हुआ। सोने का दिल है तेरा, तेरे बाबा ने तुझे कभी अपना नहीं माना, फिर भी तू उनके लिए रो रही है। आजी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बाबा मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आज भी मेरे दिल में उनके लिए पहले जैसी इज्जत है, सम्मान है। वो मेरे पूज्य पिताजी हैं और मैं उनसे बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मुझे तब भी उनकी चिंता थी और अब भी है। मुझे गर्व है तुझ पर उपासना, जिसकी तुझ जैसी शुभचिंतक बेटी हो उसका बुरा कभी हो ही नहीं सकता। सबूरी रख, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ खा ले। नहीं आजी, मेरे बाबा पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है, वो इतनी तकलीफ में है, मेरे मुंह से एक निवाला तक नीचे नहीं उतरेगा। तो खुद जाकर अपने बाबा का हाल समाचार क्यों नहीं पूछ लेती? हाँ बेटी, एक बार जाके देखा, तुझे तसल्ली हो जाएगी। जाना। नहीं आजी, मेरे बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया है, वो नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं। और पता नहीं, अगर मैं गई तो वो मुझे देखकर और भी परेशान हो जाएंगे। तेरे साथ साईं हैं,
या तो अपने मन में चिंता रख लो या साई को, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर मन में चिंता रखोगी तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर साई को रखोगी तो श्रद्धा, सबूरी, शक्ति सब मिलेगी। जा, एक बार हो गया। ये लीजिए साईं, ये हैं जोशी जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र और नाशिक के जाने माने वैद्य हैं। केशव हमेशा आपके बारे में बताता रहता है, जितना आपके बारे में सुना था उतना ही आपसे मिलने का मन था, लेकिन आज तक कभी मौका ही नहीं मिला। अभी मैं राहता में एक रिश्तेदार के विवाह में आया था और इस बार खुद को रोक नहीं पाया। आए हैं तो कुछ दिन रुक के जाइए। काश मैं रुक पाता, लेकिन नासिक में मरीजों को मेरी जरूरत है। मेरे घर के आसपास एक कोस तक मैं अकेला ही वैद्य हूँ। कम से कम एक रात तो रुक ही सकते हैं आप। हो सकता है शिरडी में किसी को आपकी जरूरत पड़ जाए, और अपने मेहमान की खातिरदारी का एक मौका मुझे भी तो मिलना चाहिए। साई ने कहा है तो आज आप नहीं जा सकते हैं जोशी जी? जैसे आपकी इच्छा। केशव, धर्मशाला में इनके रहने की व्यवस्था कर दो, और आज रात का खाना आप यहीं हमारे साथ खाएंगे। अब आप जाकर धर्मशाला में आराम कीजिए। केशव, इन्हें ले जाओ और शाम की आरती के समय साथ लेके ही आना। जी सही, चलता हूं। जोशी जी के खाने का इंतजाम कर दो तात्या। जी साईं, मैं ले आऊंगा। साईं, आज आपने जोशी जी को यहाँ रुकने के लिए कहा है, मतलब कुछ तो बात है। ऐसा क्या होने वाला है साईं? किसको जरूरत पड़ने वाली है जोशी जी की? जितनी देर हो गई, ये अभी तक आए क्यों नहीं? लगता है बाबा अभी तक दुकान से नहीं लौटे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ?
आज मेरा पूरा अनाज बिक गया था, लेकिन सबने उसको वापस कर दिया। मेरा सारा अनाज चौपट हो गया। अब उसे कोई नहीं खरीदेगा। मेरी सारी पूंजी डूब गई। सब बर्बाद हो गया। सिद्धु मेरी पूरी मेहनत में तेरे मिल गई। मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा सिद्धु, मैं बर्बाद हो चुका। बाबा, बाबा, बाबा का बेटा आ गया है, अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। मुझे पता था कि मेरे दुख को मेरा बेटा ही समझ सकता। बाबा आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं तो क्या करूं बेटा, मैं बर्बाद हो गया बेटा, मेरा धंधा चौपट हो गया। सब ठीक हो जाएगा बाबा। बाबा मुझे थोड़े पैसे चाहिए अभी। बेटा शायद तूने सुना नहीं, मैंने जो कहा मेरा सारा धंधा चौपट हो गया, मेरी सारी पूंजी डूब गई है, एक भी पैसा नहीं है मेरे पास। और हालात ऐसे है कि ये जो नुकसान हुआ उससे शायद ही कभी उबर पाऊंगा। बाबा कोई ना कोई हल ढूंढ लीजिएगा। अभी औरतों की तरह रोना धोना बंद कीजिए और मुझे पैसे दीजिए। अरे जरूरत है मुझे। पढ़ाई के लिए। अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी करवा पाना मुश्किल है। पैसे नहीं है मेरे पास, कहां से तू? अब तो तुम्हें मेरे पैसे आज ही लौटाने होंगे, और यदि तूने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, जेल। अरे ऐसे कैसे पैसे नहीं है? कुछ तो संभाल के रखा होगा ना आपने, उसमें से निकाल के दे दीजिए मुझे। और अब ये मत कहिएगा कि वो बुरे वक्त के लिए है, मैं वो सब नहीं जानता। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए अभी। सम्राट, तेरे बाबा ने क्या कहा तूने सुना नहीं? उन्हें नुकसान हुआ है, तेरे कुछ समझ आ रहा है या नहीं? आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या कहा? मुझे पैसों की जरूरत है तो है, दीजिए मुझे पैसे। सम्राट, यहां तेरे बाप के कारोबार की अर्थी उठ गई और तू पैसे मांग रहा है? हां मांग रहा हूं। आप मेरे बाबा हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि मुझे पैसे दे। और मैं आपसे नहीं मांगूंगा तो क्या पड़ोसियों से जाके मांगूंगा? क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरी हालत देखकर तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है? समझ में नहीं आ रहा तुझे? नहीं सिंधु, तुम बीच में नहीं आओगी। इसे समझना होगा, इसे समझना होगा कि इसका बाप कंगाल हो चुका है, कंगाल। कहां से दूं तुझे पैसे? कंगाल वंगाल नहीं सुनना है मुझे। आप मेरे बाबा हैं तो इस नाते आपके इस घर पर और आपके पैसों पर मेरा भी हिस्सा है। Ah
हिस्सा? अपने पापा से हिस्सा मांग रहा है तू? देख रही हो सिंधु, क्या कर रहा है ये? भगवान के लिए आप शांत हो जाइए सम्राट। सम्राट क्यों जिद कर रहा है? तू थोड़ी देर शांति से बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, उसके बाद बैठ के बात करेंगे। तू देख रहा है ना, तेरे बाबा पहले से ही बहुत परेशान है। इसे हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए कि रट लगाए बड़ा ये। हाँ, हिस्सा चाहिए मुझे, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगा। से निकाल दिया था ना, फिर तू यहां क्या कर रही है? और तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? हाँ, चल निकल जा यहां से, चल। इस घर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और उसी अधिकार के नाते मैं बाबा से पैसे मांग रहा हूं, और इनको देना पड़ेगा, वरना वरना क्या? हाँ, मैं नहीं थी इसीलिए तुमने बाबा को छू लिया, लेकिन अगर अब हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ मेरे बाबा को। थोड़ी देर सो रहा हूं, कोई भी आए तो मुझे जगाना मत। बाबा को लकवा मारा है, अब साईं को दिखाने आई हूं। साईं कहां है? साईं तो अभी सो रहा है। अब तो बहुत तो उन्हें जगाई है ना। मजबूर हूं उपासना, मुझे माफ कर दो।